वार्ड की पूर्व पार्षद ने सौंपा 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। आज सागर जिले के राहतगढ़ में एक ज्ञापन SDM राहतगढ़ को सौंपा गया। यह ज्ञापन वार्ड क्रमांक 15 की पूर्व पार्षद सीता भारती के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपे गए इस ज्ञापन में बताया गया कि नगर परिषद राहतगढ़ द्वारा PM आवास योजना में जमकर बंदरवांट किया जा रहा है। अभी हाल ही में परिषद ने 553 हितग्राहियों की सूची जारी की है, जिसमें 313 पात्र हितग्राही बताए गए हैं, जबकि इन 313 हितग्राहियों में से कई हितग्राही ऐसे भी हैं जिनकी प्रतिदिन की आय हजारों में है। कई पात्र हितग्राहियों के पास 4 पहिया वाहन तक हैं। इसकी जांच की जाए। साथ ही बताया गया कि नगर में नाली निर्माण के नाम पर भी गोलमाल किया जा रहा है। PT ठेकेदार द्वारा फर्जी टेस्ट रिपोर्ट लगवाकर मिलवाट कर राशि निकलवाई जा रही है। वहीं वार्ड क्रमांक 15 में श्रीजी इंटरप्राइजेज सागर द्वारा लगाई गई सौंदर्यीकरण लाइट की कीमत 1,89,140 रुपयों का भुगतान किया गया है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 1,63,559 रुपये है। ऐसे और भी 3 बिंदु हैं जिनकी जांच की जानी आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अपात्रों के नाम जोड़े गए और जो पात्र उनके नाम काटे गए उसके उसमें ज्ञापन दिया है। राहतगढ़ नगर परिषद द्वारा 553 की सूची जारी की गई थी, जिसमें 313 पात्र पाए गए और 240 जो गरीब थे उनके नाम काट दिए गए। जो 313 में ऐसे लोग हैं जिनके बहुबल मंजिल मकान बने, 6-6 कमरा, 7-8 लाख की गाड़ियों में घूम रहे और 3-5 हजार रुपए दिन की उनकी आय है 2,000, और जो 240 नाम काटे गए जो संयुक्त परिवार में 4 सदस्य हैं उनको 1-2 कमरा बने हैं और आगे छाप है, तो ADM महोदय द्वारा जांच कराई गई, पटवारी ने आपात कर दी गए और जो लाखों रुपए है जिनके पास उनके लिए पटवारी द्वारा पात्र कर दिया गया। भैया यहाँ इन लोगों का बेटा ये है, क्षेत्रीय जो यहाँ की गरीब जनता है उनका कहना ये है कि जो पात्र है इनकी कुटीर नहीं बन रही है और जो अपात्र है उनके लिए कुटीर बन रही है। भेदभाव पूर्ण व्यवहार हो रहा है, इसलिए इनने आज ज्ञापन दिया है कि निष्पक्ष होके जांच हो और इनकी कुटीर बनाई जाए। क्या चाहती है आपकी पार्टी, आई कार्रवाई करेंगी, कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे आप लोग आगे? एक हफ्ते का समय दिया है हम लोगों के लिए और उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच होके तीरों का काम होगा और यदि नहीं होता है तो ये हमारे नंदकिशोर भारती जी और हमारी सभी महिलाएं बहनें और हम साथ में हम लोग भी इनके कंधे से कंधा लगा के साथ देंगे और भूख हड़ताल पे लोग बैठेंगे। कुटीर के संबंध में जो लोग आए थे उन्होंने ये कहा है कि कुछ पात्र व्यक्तियों के नाम छूट गए हैं, उन्होंने सूची दी है, उसकी हम जाँच करा लेते हैं, जो पात्र होंगे उनको जोड़ दिया जाए, जो उन्हें कार्रवाई की जाए।